दिवस के रूप में मनाने के लिए इच्छा बनाई, जिसके आधार पर आज हम शिक्षक दिवस समझ रहे हैं। शिक्षक को इतना आदर सम्मान देना ये बहुत बड़ी बात है। प्रश्न उठता है कि शिक्षक है कौन? दो चीज होती है, सब हैं शिक्षक और गुरु। मैं यहाँ असेंबली में कंडीशन नहीं है कि बच्चे खड़े हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे अपने पैर पर सीधे भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तभी से बात भी कर रहे हैं। दो मिनट में मैं एड्रेस कंप्लीट करूंगा। शिक्षक और गुरु, ये दोनों शब्द जो है अलग अलग हैं, वैसे देखा जाए तो समानार्थी भी कभी हम लेते हैं। हमारे शिक्षक सबसे पहले माता पिता हैं, जिन्होंने इस संसार में आने के बाद क्या सही है क्या गलत है बताया। हम जो शिक्षा देते हैं, जो विषय ज्ञान देते हैं, मुख्य रूप से हम तीसरे शिक्षक, तीसरे दर्जे के शिक्षक हैं। और इसके अतिरिक्त वो हर व्यक्ति जो आपको सही बात बताता है, सही बात सिखा पाता है, आपका दोस्त, आपके कोई भी बड़े, आपका, आपके सीनियर्स, आपके साथ पढ़ने वाले जो सहपाठी हैं, हर व्यक्ति आपके लिए शिक्षक हो सकता है। गुरु का मतलब होता है बड़ा, और गुरु वो है जिसमें गुरुत्व ग्रेविटी है। हमेशा एक सामान्य सा विज्ञान का नियम है कि कोई भी चीज ऊंचे से नीचे, ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है। तो गुरु बड़ा होता है, गुरु का शाब्दिक अर्थ यह है बड़ा होना। और बड़ा केवल ज्ञान से नहीं होता, हर तरह से, हमें संस्कार से। हमने कभी भी कह दिया कि सहपाठी भी आपके गुरु हैं, तो समझना है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई सहपाठी, कोई शिक्षक, हम तभी अपनी, अपने अच्छाइयों को बच्चों में या अपने अच्छाइयों को अपने सहपाठियों में दे सकते हैं कि जब हमारे अंदर वो भाव हो। हमें हमेशा ध्यान रहना है, कोई व्यक्ति जो है परफेक्ट है? नो वन इज परफेक्ट, सम ऑफ माई पार्ट में भी एक्सलेंट, नो वन इज गुड, ऐसा कोई नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया क्योंकि उन्होंने हर स्तर पे अपने को अच्छा करने की कोशिश की। तो परफेक्शन के तरफ कोशिश करना है। तो हम जैसे ही, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हो सकती हैं, अपने बुराइयों को, अपने जो डिमेरिट्स हैं, पर डे कोशिश करके उस डिमेरिट्स को कोशिश करना एलिमिनेट करने के, यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो आज जो शिक्षक दिवस है इसका उद्देश्य पूरा होता है। बच्चों, हम चाहे वो शिक्षक हो या आप भी शिक्षक हो, अपने छोटे भाई बहनों के लिए, अपने मित्रों के लिए शिक्षक है। यदि आप अच्छा करते हैं और आप इंस्पायर कर पाते हो अपने दोस्तों को, आप इंस्पायर कर पाते हो अपने सीनियर्स को, छोटे बच्चे भी जो है बड़ों के लिए जो है शिक्षक हो सकते हैं। यदि आप इंस्पायर कर पाते हैं और उसको इंस्पायर करने के लिए, उस तरह का कंडीशन बनाने के लिए आपके अंदर वो ग्रेविटी आनी हो। यदि आपके अंदर ग्रेविटी नहीं है तो जूनियर सीनियर को जो है वैल्यू नहीं देगा, और सीनियर जूनियर को वैल्यू नहीं देगा, और फिर ये शिक्षक दिवस का मनना कोई जो है अपने आप में अर्थ नहीं रखेगा। आज जिस तरह से वैल्यू सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है, बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते। जब आप अपने माँ बाप का कहना नहीं मानोगे तो फिर अपने शिक्षकों का कहना कैसे आप मानेंगे? हमारे पास आते हैं बहुत सारे माता पिता, बच्चों को पता है मम्मी पापा पहले ही जो है परेशान रहते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको पनिश करें। ऐसा यदि आ रहा है तो जिस माता पिता ने आपके लिए अपना सारा समय, पैसा, सब कुछ दे रहे हैं और उनको आप यदि फॉलो नहीं करते, उनके जो है अकॉर्डिंग आप नहीं चलते, तो फिर इस तरह के जो हमारे आयोजन है, निसंदेह आप उन आयोजनों का मजाक बनाते हैं। या यदि आप, हम दूसरे शब्द में कहें कि वैसे बच्चे जो अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे, जो अपने टीचर्स,
बड़ों की आज्ञा नहीं मानेंगे तो फिर आपका जो जीवन है निसंदेह जो है वो दुष्कर हो जाता है। आप एक अच्छा आज्ञाकारी छात्र बने, आप एक अच्छे आज्ञाकारी भारतीय बने, आप एक अच्छे और आज्ञाकारी डीवियन बने। आज का दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को तो याद करने का ही का दिन तो है ही है। जब हम शिक्षक दिवस की बात करते हैं तो एक आदर्श शिक्षक हमारे डीएवी महात्मा हंसराज जी हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं और बच्चों को मैं कहूंगा कि आप उनसे इंस्पायर हों। और डीएवी एक बहुत आदर्श संस्था है, हमारे जो है आपके एलुमनाई, आप देखो हर व्यक्ति को जो है हर बच्चों को पता होना चाहिए कि डीएवी की जो एलुमनाई लिस्ट है कितनी अच्छी है, और उनसे आप इंस्पायर हों। शिक्षक दिवस की आप सभी शिक्षकों को बधाई, साथ ही साथ बच्चे आपके माता पिता को भी जो है कि बधाई, क्योंकि आपको एक आदर्श विद्यार्थी बनाकर हमारे पास भेजते हैं। आपका कल्याण हो, धन्यवाद, जय हिंद।